धनबाद के झरिया में शहरी जलापूर्ति योजना को धरातल पर उतारने के लिए झमाडा की एजेंसी जेएनसी काम कर रही है। उक्त एजेंसी के द्वारा घटिया निर्माण और कार्य की गुणवत्ता के अभाव में शिकायत झरिया विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह ने रविवार को धनबाद उपायुक्त के साथ बैठक में की। ये बैठक जिले में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और विभिन्न विकास योजनाओं में आ रही बाधाओं को लेकर आयोजित थी। उपायुक्त ने विधायक की शिकायत पर संबंधित पदाधिकारियों और एजेंसी को कड़ा निर्देश दिया और कार्य में धांधली नहीं बरतने और गुणवत्तापूर्ण कार्य करने का निर्देश दिया। बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए पूर्णिमा नीरज सिंह ने बताया कि उनकी शिकायत को उपायुक्त ने गंभीरता से लिया है। एजेंसी को उनके द्वारा फटकार भी लगाई गई है और कड़े निर्देश भी दिए गए हैं। इस शहरी जलापूर्ति योजना के अधूरे काम और गैर जिम्मेदाराना तरीके से काम किए जाने की वजह से बस्ताकोला से लेकर झरिया मुख्य शहर तक कई जगहों पर सड़क निर्माण कार्य भी नहीं हो पाया। वहां सड़क की स्थिति भी भयावह हो गई है। वहीं उपायुक्त ने सीधे तौर पर कहा कि संबंधित कंपनी को कार्य की गुणवत्ता में सुधार लाने के निर्देश दिए गए हैं। निर्माण काम में जो भी बाधाएं आ रही हैं, इसके अलावा झरिया शहरी जलापूर्ति योजना में जो खामियां हैं, उन तमाम विषयों पर आवश्यक दिशा निर्देश संबंधित पदाधिकारियों को और संबंधित एजेंसियों को दे दी गई है। जो अभी संपन्न है, इसमें मुख्य मुद्दा क्या था और क्या कुछ आपके तरफ से इस मामले में दिशा निर्देश दिया गया? ये इंफ्रास्ट्रक्चर कोऑर्डिनेशन की मीटिंग थी, जिसमें कि अलग अलग विभाग, चूँकि इंटर डिपार्टमेंटल इशूज़ आधारभूत संरचनाओं में बहुत रहते हैं, विशेष रूप से रोड के और ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई के जो प्रोजेक्ट्स हैं, तो उसमें एक झरिया एरिया में जो जेएनसी का माडा के एग्जीक्यूशन एजेंसी के द्वारा और डीएमएफटी फंड से योजना कार्यान्वित हो रही है, जिसमें करीब आधा झरिया शहरी क्षेत्र है जिसमें वाटर सप्लाई होनी है, तो उनके अलग अलग विभागों के बहुत सारे इशूज़ हैं। एनएच डिवीजन की जो रोड है बैंक मोड़ से लेके दिनोवली झरिया देनागे जो जाती है, तो उनके एनओसीज के आरओडब्ल्यू के कई इश्यूज थे, बीसीसीएल के अन्य विभागों के इश्यूज थे, तो उसके संबंध में आज एक कोऑर्डिनेशन बैठक सभी के साथ में रखी गई थी। दूसरा, एनएच बरवड्डा से दुर्गापुर जो सेक्शन है, इनका पहले इस एरिया का चौड़ीकरण का, सिक्स लेनिंग का, कुछ जगहों पर और कई काम थे जो 2014 में शुरू किए गए थे। बीच में फिर एनएच के अपने इंटरनल कुछ इश्यूज थे जिनकी वजह से वो काम बंद रहा। अभी फिर से चूँकि वो शुरू हुआ है, तो उसमें अलग अलग विभागों के साथ उनके जो इश्यूज हैं, विशेष रूप से उसमें बिजली विभाग के आरओडब्ल्यू के कुछ इश्यूज हैं, धनबाद शहरी जलापूर्ति योजना जिसमें मैथन से शहर में पानी आना है, तो उनके एक मीटर डाया का पाइप उसमें बिछना है, तो कई जगहों पर एनएचएआई से उनके कंसेंट या एनओसी पेंडिंग है, और धनबाद शहरी जलापूर्ति योजना, तो बेसिकली आज इन तीन मेन योजनाओं में जेएनसी का जो ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट है, धनबाद शहरी जलापूर्ति योजना और एनएच बरवड्डा दुर्गापुर सेक्शन का जो धनबाद एरिया का पार्ट है, उसमें सभी विभागों के साथ में, जिसमें फॉरेस्ट, बिजली विभाग, बीएसएनएल, ये बीसीसीएल, जितने भी आपसी डिपार्टमेंट्स के इशूज हैं, उनके साथ में समीक्षा की गई है और टाइमलाइन एक निर्धारित की गई है। जो काम चल रहा है अभी बरवड्डा से लेकर पानागढ़ तक, इसमें सर क्या क्या परेशानी इन लोगों ने बताई है आपको? इसमें दो तीन इशूज हैं, एक तो एनएच से बाकी विभागों के कुछ इशूज हैं, जैसे मैंने आपको कहा कि धनबाद शहरी जलापूर्ति योजना की पाइपलाइन के लिए उनको जगह चाहिए, तो एनएच को अपने आरओडब्ल्यू का एनओसी देना है, उसके लिए उन्होंने एप्लीकेशन भी ऑनलाइन जो प्रक्रिया होती है वो दिया है, तो करीब 8 किलोमीटर का एनओसी उनको मिला है, अभी भी 14.5-15 किलोमीटर का एनओसी बाकी है। बिजली विभाग से एनएच के कुछ इश्यूज हैं, एनएच के बिजली विभाग के कुछ इश्यूज हैं। बेसिक क्राइटेरिया ये है कि एनएच को अपना काम करने के लिए जो जगह चाहिए वो फ्री और किसी भी तरह के इनकम्बरेंस से मुक्त होकर उनको मिले, और बाकी विभागों के जो यूटिलिटीज एनएच एरिया में हैं उनकी शिफ्टिंग के लिए एनएच इंश्योर का, पहले हम लोगों ने ट्रैफिक की व्यवस्था यहाँ रखी थी, उसकी वजह से लोगों के द्वारा और जो बस एसोसिएशन के प्रतिनिधि हैं उनके द्वारा लगातार ये डिमांड किया जा रहा था कि एक पर्टिकुलर स्ट्रेच के लोगों को, वहाँ के सवारियों को भी और बसेस को भी उससे दिक्कत हो रही थी, तो सबके साथ विचार विमर्श करके ये नई ट्रैफिक व्यवस्था लागू की गई थी, जिसमें कुछ रिलैक्सेशन बसों को दिए गए थे, उसकी हम लोग समीक्षा करेंगे, अगर कुछ आवश्यकता होगी कि उसकी वजह से कोई इनकन्वीनियंस हो रहा है या कोई दूसरा विकल्प उसमें देखने की ज़रूरत है तो उस पर निर्णय लिया जाएगा। जी, आज की बैठक जो है वो शहरी जलापूर्ति योजनाओं को लेकर थी, तो डीसी महोदय से मैंने विशेष आग्रह किया था कि इसमें मुझे भी रहना है, वैसे इसमें जो है सदस्यों को बुलाया नहीं गया था, लेकिन मैंने विशेष आग्रह किया था, और विशेष करके मेरा आग्रह था झरिया की जो जलापूर्ति योजना चल रही है उसको लेकर,
क्योंकि वहाँ पर सड़क भी बननी है और उस जलापूर्ति योजना में जो पाइप लेइंग हो रहा है उसकी वजह से जो है लगातार सड़क की हालत, क्योंकि सड़क को बने हुए अब 4 साल हो चुके हैं, उसको फिर से बनना है, सब कुछ काम उसकी वजह से रुका हुआ है क्योंकि पाइप लेइंग नहीं हो पा रहा था। तो उसी को लेकर और आज जो कंपनी वहाँ पर जो बदमाशी कर रही है उसके बारे में हमने अवगत कराया कि भाई किस तरीके से काम किया जा रहा है, क्वालिटी काम नहीं हो रहा है, उसको क्वालिटी चेक किया जाए। तो डीसी महोदय ने बहुत ही जो है उसमें उनको निर्देश दिया है, बहुत ही कड़ा निर्देश दिया है कि क्वालिटी चेक के बिना कोई भी काम नहीं होगा और जल्द से जल्द, क्योंकि उसकी वजह से जो है हमारा एनएच का काम रुका हुआ है, जो मेन सड़क है जो लगातार आप सब न्यूज़ में कवर भी करते आ रहे हैं बस्ताकोला एरिया का, वो उसी पाइप लाइन की वजह से रुका हुआ है। तो उन्होंने बिल्कुल कड़ा निर्देश किया है कि इसको जल्दी से जल्दी पूरा किया जाए और पाइप लाइन में जो है क्वालिटी भी हो उसको पूरा किया जाए और ताकि सड़क जो है बन सके। नहीं नहीं, नोटिस देने से झरिया खाली नहीं हो जाएगा। देखिए BCCL अपनी खानापूर्ति कर रहा है, कहीं ना कहीं आउटसोर्सिंग कंपनीज के साथ मिलकर जो है वो एक फिर नया प्लान बना रहा है, क्योंकि आप सबके सामने उदाहरण है कि RSP कॉलेज के साथ उन्होंने यही किया था और RSP कॉलेज की जो पुरानी बिल्डिंग है वो आज भी वैसी की वैसी ही है। तो ये जो है BCCL की बदमाशी है और झरिया वो ऐसे खाली नहीं करा सकते हैं। इस पे आपने DC से भी बातचीत की थी, आपने लिखित दिया था, क्या उस पे क्या बात हुई? नहीं, DC महोदय से बात हुई, उन्होंने जो है उस नोटिस को मंगाया और मुझे लगता है कि आप सबको संज्ञान में होगा कि उसके बाद BCCL ने ऐसा कोई नोटिस दोबारा या किसी जाके परेशान नहीं किया है किसी को भी। BCCL को है अपना वो खानापूर्ति करते रहता है कि भाई वहाँ गोफ हो गया था इसलिए हम नोटिस लगा रहे हैं कि आप खाली कर दीजिए, लेकिन BCCL के पास क्या प्लानिंग है खाली करवाने का? क्या उन्होंने पुनर्वास के बारे में सोचा? जो लोग यहाँ से जाएंगे वो रहेंगे कहाँ? क्या सरकार ने उनके रोजगार के बारे में सोचा? जो जरेडा की जो योजनाएं चल रही थी झरिया रिहैबिलिटेशन डेवलपमेंट अथॉरिटी की, जिन लोगों को पुनर्वासित किया जाना था, क्या वो लोग पुनर्वासित हुए हैं? बहुत सारे ऐसे सवाल हैं। और जब तक उन सवालों, जो रैयतों का मुआवजा है, कई रैयत आज तक 30-30 साल से जो है कोर्ट में जो है केस लड़ रहे हैं, आप उनका मुआवजा नहीं देते हैं, उनको कुछ नहीं देते हैं, और आप ये सब किए बिना फिर एक नोटिस चिपका दे रहे हैं, तो झरिया तो खाली नहीं होगा। ये मैं लोगों को जो है बिल्कुल बताती हूँ कि मेरे रहते तो झरिया खाली नहीं होगा, फिर बाकी तो मैम एक चीज़ और है, थोड़ा सा इससे अलग बताएंगे मैम, ये सरकार जो है आप भी सरकार के हिस्सा हैं और 1932 की खतियान लोग बाद में आकर के धनबाद में बसे हैं, 1932 के बाद उनके बीच एक असमंजस की स्थिति बन गई है। देखिए अभी तक जब तक हमें इस पे जो है क्लियर नहीं होता तब तक मैं इस पे कोई स्टेटमेंट देके ज़बरदस्ती लोगों के मन में कोई भय पैदा नहीं करना चाहती हूँ। 100 बातें हो रही हैं अभी, लेकिन एक बार जब कुछ निकलने दीजिए कि क्या कहा जाता है 1932 या जो भी है इसके बारे में, उसके बाद हम अपना जो है शेयर करेंगे।